गांधी स्मारक इंटर कॉलेज राजे सुल्तानपुर के छात्र छात्राओं ने एक शाम आजादी के नाम के साथ निकाली तिरंगा यात्रा। अंबेडकर नगर गुरवल राजे सुल्तानपुर गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निकाली ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा। मुख्य अतिथियों ने वसुधा सिंह स्मारक पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से राजे सुल्तानपुर चौक ब्रह्मस्थान हनुमान मंदिर टीपी चौक राजेपुर गांव होते हुए विद्यालय के प्रांगण में पहुंचकर समापन हुआ। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सहित आदि क्रांतिकारियों की भव्य झांकियों के साथ करीब 3 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइनों के साथ लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लिए एवं विद्यालय के छात्रों ने 50 मीटर का तिरंगा को हाथ में लेकर भारत माता की जय देश के लिए शहीद हुए अमर सपूतों के अमर रहे नारों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कप्तान सिंह विद्यालय प्रबंधक सर्वेंद्र विक्रम सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक प्रवीण कुमार मिश्रा डिप्टी एसपी जगदीश लाल श्री ललन जी ब्रह्मचारी महाविद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र नाथ सिंह थाना अध्यक्ष नागेंद्र सरोज पूर्व प्रधानाचार्य जेपी सिंह शिक्षक संतोष कुमार सिंह शिक्षक उदय राज मिश्रा शिक्षक राजेश मिश्रा शिक्षिका नीति सिंह शिक्षिका मंजू सिंह शिक्षक अमरनाथ पांडे शिक्षक जियालाल शिक्षक विनोद सिंह शिक्षक रंजीत सिंह राहुल सिंह शिक्षक शक्ति सिंह बीएलओ डॉक्टर तारा वर्मा नोडल अधिकारी विद्यावती प्रधानाचार्य भरतपुर सतीश पांडे उमेश कुमार पांडे प्रभात तिवारी भाजपा जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद शाहिद अंसारी भाजपा नेता राधेश्याम पांडे सपा नेता बच्चू लाल सोनकर रामचरण सिंह शहीद भगवान सिंह के पिता महेंद्र सिंह नरेंद्र कुमार सिंह भाजपा नेता विवेक सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व में बाबू वंदन करते हैं, आप सभी से अपेक्षा करते हैं इस महान पद मोहम्मद जावेद जी। और ये आवाज जहां तक जा रही है मेरी सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपने हाथ को ऊपर उठाकर बोलेंगे भाई भारत माता की जय, भारत माता की जय, भीम क्यों जिंदाबाद, भीम क्यों जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता के
Thank you.